लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, मैं सान्या जैन आपके साथ। विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदियों में से एक भोपाल गैस त्रासदी की 35वीं वर्षी पर मंगलवार को भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए त्रासदी में जान गंवाने वाले हजारों लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कुछ संगठनों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी 2-3 दिनों से देखने को मिला है। राज्यपाल लालजी टंडन की मौजूदगी में यहां दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में सेंट्रल लाइब्रेरी में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें धर्माचार्यों द्वारा पाठ कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण व गैस राहत मंत्री आरिफ अकील, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह खास तौर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यूनियन कार्बोहाइड्रेट फैक्ट्री को पीड़ितों की स्मृति में मेमोरियल बनाने की मांग रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। जो हमसे अच्छा हो सकता है उनको भी एक स्मारक बनाने की मांग कर रहे हैं, और दूसरा जो वहाँ पे केमिकल कचरा पड़ा है उसकी सफाई के लिए कर रहे हैं। हम अगस्त में उसके लिए लेटर लिख सकते हैं। ये जानते हैं आप, केमिकल हटाना हमारी जवाबदारी नहीं। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया, और जब डेट देंगे हम उस दिन तैयारी कर सकते हैं। इस बार का बनेगी, वहाँ व्यवस्था होगी, लेकिन चल ये ज़रूरी इस बात के लिए कि हम जो हादसा हुआ है उसको याद करने के लिए कम से कम मरहम लगाएं, जख्म से नमक वाला नहीं डालें। कुछ जो कुछ नमक वाला ही डालने का जो प्रयास कर रहा है, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाला उनको शक्ति दे, बुद्धि दे, जब वो जो काम अच्छे हो रहे हैं उनको। बीजेपी के लिए कांग्रेस ने जो है देखी किस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ, जख्म इसलिए आज तक 25 साल बाद मगरमच्छ के आंसू बहाने के अलावा बीजेपी वालों के पास कुछ और है नहीं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।